बेबस शहीद मंदिर पर एक विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया। शहीद दिवस की देर संध्या पर एक कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जिसमें मुख्य अतिथि की भूमिका में मानकर अधिकारी कौशलेंद्र यादव की मौजूदगी रही। यहां सबसे पहले शहीदों को नमन किया गया और उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। बेवर के शहीद मंदिर में समाज सेवा नवयुग संस्थान के सौजन्य से कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें शहीदों को श्रद्धांजलि देते हुए प्रांगण में शिक्षु प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि की भूमिका में मालकर अधिकारी डॉक्टर कौशलेंद्र यादव मौजूद रहे। कार्यक्रम में सबसे पहले शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई, उसके बाद सैकड़ों बच्चों और दर्जनों महिलाओं ने शिशु प्रदर्शनी में भाग लिया। डॉक्टर स्नेहल त्रिपाठी बारी बारी से बच्चों देखकर उनके पोषण की जानकारी दे रहे थे। उन्होंने बताया कि सभी बच्चे हरी सब्जियों का प्रयोग करें और फलहार का इस्तेमाल करने से बच्चे पौष्टिक रहते हैं। इसी के साथ ही कार्यक्रम में बच्चों ने डांस भी किया, जिसमें बच्चों ने खूब तालियां बटोरी हैं। आज शहीद दिवस के उपलक्ष्य में जो कार्यक्रम हुए हैं, आप क्या संदेश देना चाहेंगे शिशु प्रदर्शनी के उपलक्ष्य? शहीद दिवस पर शिशु प्रदर्शनी का जो कार्यक्रम किया है, उसमें सभी बच्चों से मुलाकात हुई, बच्चों के जो गार्जियन है उनसे मुलाकात हुई। मैं इस जितने भी शहीद यहाँ पर जितनी मूर्तियाँ हैं जो समाधि है, हमने सबको श्रद्धांजलि दिया। और हमने चूँकि सड़क सुरक्षा वाह चल रहा है, सभी बच्चों से हमने अपील की कि अपने मम्मी को, पापा को, भाई को, किसी को भी बिना हेलमेट चेंज से घर से न निकलने दें। हमारे घर में कोई अचानक ऐसी मौत ना हो गई से, मुझे लगता है कि हम जीवन बचा सकें, यही हमारे शहीदों को सबसे बड़ी सफलता है। आज शहीद दिवस के दिन शिशु प्रदर्शनी में शिशु प्रदर्शनी काफ़ी बच्चों को देखा हमने, और कुछ मोस्टली सारे बच्चे स्वस्थ थे, कुछ एक दो ऐसे थे तो उनको हमने हॉस्पिटल आने के लिए बोला है, जिसमें आयरन की दवाइयाँ और कीड़े वाली दवाइयों के लिए बोला है। और काफ़ी अच्छा ये प्रदर्शनी रहा है, और यह कार्यक्रम नवीन संस्थान की तरफ से हुआ था। ये टीम को मैं अभिनंदन करती हूँ। क्या नाम आपका? मैं मीना सिंह, नर्स मेडिकल को CACB। जी, आज किस तरीके से कार्यक्रम किया गया और क्या आप संदेश देते हैं? आज शहीद मेला बेवर में शहीद दिवस के दिन यहाँ पर शिशु प्रदर्शनी का कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें करीब 50 के लगभग बच्चे थे और 10-12 माताएं थीं। तो उनका यहाँ पर परीक्षण किया गया, उनको उनके स्वास्थ्य संबंधी, खाने पीने की संबंधी सारी बातों की जानकारी दी गई, जिसमें करीब आधा दर्जन बच्चे ऐसे थे जो पूर्ण रूप से स्वस्थ थे और बाकी जिनमें कोई अगर कमी थी तो उनको उस तरीके की सलाह दी गई है। ये कार्यक्रम बहुत ही अच्छा था और इस तरीके के कार्यक्रमों का हमेशा स्वागत किया जाएगा। यह कार्यक्रम समाज सेवा नवयुग संस्थान के माध्यम से हुआ था। मैं इस पूरी टीम के सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद एवं आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। क्या नाम आपका? मैं डॉक्टर स्नेहल।